स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स हब में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो एक बार आप उसे जरूर से देख लें, इसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। कि हमने देखा था कि लेंस में जब इमेज फॉर्म हो रहा था तो कोई ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा था, ऑब्जेक्ट के साइज से कोई छोटा था, कोई ऑब्जेक्ट के साइज का ही था, मतलब अलग अलग उसके में वेरिएशंस हो रहे थे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मैग्निफिकेशन, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हुआ है वो मैग्निफाइड है या डीमैग्निफाइड है। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे, वो इस चैप्टर का भी लास्ट कंटेंट होगा, वो होगा लेंस इन कॉन्टेक्ट, मतलब कि जब लेंस कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उसके पावर को कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे उसके पावर को निकाला जाता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, कि लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो ये सेम होता है जैसे कि हमने मिरर में पढ़ा था। इसका जो डिफिनेशन है वो है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एम से डिनोट करते हैं। तो एम जो है वो इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज, अगर एच आई हाइट ऑफ इमेज है और एच ओ अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इनके रेशियो के बराबर जो है वो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक, ऐसा ही हमने पढ़ा था मिरर में भी। इसके बाद दूसरा जो फॉर्म था इसका वो था वी बाई यू के, मतलब कि मैग्निफिकेशन इसका जो डिफिनेशन था वो था m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही बराबर था v बाई यू के। जबकि मिरर के केस में क्या था, ये हुआ लेंस के केस में। ठीक है, मिरर के केस में क्या था, मिरर के केस में था m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ था, वो इसके बराबर था माइनस ऑफ वी बाई यू के, वहां पे साइन जो था वो चेंज था। तो लेंस और मिरर इन दोनों के टर्म में आपको ये ध्यान देना होगा कि वहां पे जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़े थे तो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू था, लेकिन लेंस फॉर्मूले में वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू था। तो वहां पे जब प्लस और माइनस था तो यहाँ माइनस के बाद प्लस होगा, मतलब कि वहां पे माइनस वी बाई यू हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे प्लस वी बाई यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो बराबर है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, वही बराबर है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो हम बात करते हैं लेंस इन कॉन्टेक्ट की। हम सब में से जब भी किसी को आंख में प्रॉब्लम होती है, मतलब देखने में अगर कभी भी दिक्कत होती है हमें, तो हम सबसे पहला एक्शन क्या लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के पास हम जब जाते हैं तो हमें एक फ्रेम लगाया जाता है चश्मे का, एक वो लोहे का फ्रेम होता है, उसके अंदर कोई ग्लास नहीं होती है, वो फ्रेम लगा दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर साहब अपने टूल किट से एक ग्लास का वो रखते हैं लेंस हमारे सामने, वो कुछ सामने लिखा होता है उसे हमें पढ़ना होता है। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसीजर होती है, जब तक हम पढ़ पाते हैं तब तक ठीक है, जैसे ही हम पढ़ना बंद करते हैं वो डॉक्टर साहब दिखाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि उसके बाद एक और लेंस रख देते हैं। ठीक है, कुछ दूर पढ़ा हमने, दिखाई दिया या नहीं दिया, उसके बाद एक और लेंस रख दिया, मतलब कि दो तीन लेंस रखते हैं वो, या एक को बदल के रिप्लेस करते हैं वो, ऐसा कुछ करते हैं। कभी कभी ऐसा केस होता है यहाँ कि एक ही बार में पता चल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में दो या तीन लेंस को कम्बाइंड किया जाता है। जब दो तीन लेंस वो रखते हैं तब क्लियर विजन होता है, मतलब कि क्लियरली हम देख पाते हैं। वो सब प्रोसीजर के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इतने पावर का चश्मा लगेगा, कि आपको इस पावर की चश्मे की जरूरत है, इससे आपकी जो विजन है वो क्लियर हो जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एफ, ये हम जानते हैं। यहाँ पे एक ही एफ है, एफ जो है फोकल लेंथ जो है वो एक ही है। अब डॉक्टर साहब ने तीन लेंस रखा था, अब डॉक्टर साहब कैसे डिसाइड करेंगे किस वाले लेंस का पावर इनको बताया जाए, दो तीन लेंस रखा था उन्होंने, तो किस वाले लेंस का पावर जो है उसको डिसाइड करके इनको चश्मा लगाया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि जब दो, मतलब जब एक से अधिक लेंस एक साथ जुड़े हों तो उसका पावर कैसे डिसाइड करते हैं।
उनके पावर को डिसाइड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, उनके पावर को हम डिसाइड करते हैं 1/f, ये हमारा मेन वाला लेंस हो गया, ठीक है। इसको हम एक बार आपको विजुअलाइज कराते हैं कि अगर ये 1, 2, 3 ऐसा कुछ, मतलब 2-3 लेंस ऐसा उन्होंने रख दिया, इसका पहले का F1 था, दूसरे का F2 था, तीसरे का F3, ऐसा ऐसा पावर, ऐसा उनका फोकल लेंथ था। तो डॉक्टर साहब को क्या बताना है, एक ही लेंस बताना था, इन तीनों के बजाय 3 चश्मे नहीं लगा देंगे कि भैया आप एक ये चश्मा पहन लो, उसके ऊपर ये चश्मा, इसके ऊपर ये चश्मा, 3 चश्मे तो पहनाएंगे नहीं, एक ही पहनाते हैं वो, तो तीनों ना पहने। डॉक्टर साहब मजाक थोड़े करने वाले हैं, तो ये 3 ना पहना के उन्हें एक ही चश्मा देना होता है। तो इन तीनों को एक में कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। जो मेन फोकस होता है वो निकालने के लिए इन तीनों के रेसिप्रोकल्स को जोड़ देते हैं हम, सिंपली बस, और कुछ नहीं करना है। अगर इसके आगे और भी चश्मा लगाए वो, तो हम और भी जितना जितना होगा वो जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो 2 चश्मा है, वो 2 लेंस रखा हुआ है, तो 1/f क्या होगा, 1/f1 + 1/f2, ठीक है। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, हम अभी 2 मानते हैं। कि चलिए अगर डॉक्टर साहब के पास 2 ही लेंस लगाने से हमारा एक फाइनल बन गया होगा, ठीक, तो उसका फोकल लेंथ कैसे निकलेगा। उसका फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बस इसका सम करेंगे ऐसे, f1 f2 f2 + f1, ठीक है। ये किसके बराबर है, 1/f के। हमें क्या निकालना है, नेट फोकस। तो नेट फोकस इसको बस रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 × f2 / f2 + f1, या फिर f1 + f2 लिख देते हैं, f1 + f2, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट फोकस, इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब इस फोकस को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे लाके, तो वो हमारा जो नेट पावर है वो निकल जाएगा। तो ऐसे डॉक्टर्स निकालते हैं पावर, वो प्रिस्क्रिप्शन में जो पावर लिखा होता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, इस टेक्निक से निकलता है। तो ये टॉपिक था पावर ऑफ लेंसेस इन कॉन्टेक्ट। तो इस चैप्टर में, इस जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो चैप्टर था हमारा, वो यहीं पर खत्म होता है। अगर इस पूरे चैप्टर में आपको एक भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, तो आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।